कौमी टीम के उभरते हुए नौजवान बल्लेबाज बाबर आजम ने वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय कप्तान विराट कोहली से ज़्यादा रन स्कोर करने का कारनामा सर अंजाम दे दिया। 24 साल बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए 8 मैचेस में 67.71 की औसत से 474 रन स्कोर किए, जिसमें एक सेंचुरी और 3 निस्फ सेंचुरियाँ शामिल थी। जबकि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में 9 मैचेस में 55.37 की औसत से 443 रन स्कोर किए, जिनमें 5 निस्फ सेंचुरियाँ शामिल थीं। हैरान कन तौर पर वो एक भी सेंचुरी स्कोर करने में नाकाम रहे। अब तक वर्ल्ड कप में भारत के रोहित शर्मा 648 रन के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपनर डेविड वार्नर 647 रन के साथ दूसरे नंबर पर वर्जमान हैं। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन 606 रन स्कोर करके तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। इंग्लैंड के जो रूट 549 रन के साथ चौथे और कीवी कप्तान केन विलियमसन 548 रन स्कोर करके पाँचवें नंबर पर मौजूद हैं। और दोनों खिलाड़ियों के पास एतवार को शेड्यूल फाइनल में लंबी बारी खेलकर वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बल्लेबाज बनने का मौका मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया कप्तान एरन फिंच ने वर्ल्ड कप के 10 मैचेस में 507 रन स्कोर किए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।